की फेवरेट गेम है एक दूसरे को ताने देना, चाहे हो शाहरुख या फिर आमिर या फिर सलमान। आज तक नोबडी हैज स्पेयर्ड एनीवन इन द पास्ट, लेकिन अदर स्टार्स आर नॉट फार बिहाइंड। तुषार कपूर जैसे अपकमिंग एक्टर ने भी ले लिया प्रीति जिंटा के साथ पंगा ऑन नेशनल टेलीविजन ऑन अ शो, जब उन्होंने कहा कि प्रीति हैं सिनोनिमस विद बोटॉक्स। एक चैट शो पर तुषार के इस इम्प्रॉम्प्टू जवाब से प्रीति हो गई काफी अपसेट, क्योंकि वो खुद कभी भी किसी के बारे में रबिश बातें नहीं करती। तुषार कपूर who couldn't take back his words ने किया प्रीति से apologize when she called and asked for an explanation। फिर तुषार ने कहा कि उन्होंने रिसेंटली एक मैगजीन में प्रीति का पिक देखा जिसमें वो लग रही थी स्लिम और प्रिटी, इसलिए her name came to his mind। और तुषार ने अपोलॉजी तो दे दी, लेकिन अपोलॉजी को कम और बोटॉक्स के ताने को लोग ज्यादा याद रखेंगे। सैफ अली खान ने भी कैन जाकर उड़ा दी ऐश्वर्या राय जैसी सीनियर एक्ट्रेस की खिल्ली। सैफ ने टैक्टफुली ताना मारा कि ऐश्वर्या राय है सिर्फ एक ब्यूटीफुल फेस, इसलिए रेगुलरली दिखाई देती हैं एट द इंटरनेशनल रेड कार्पेट। तो क्या वो ये कन्वे करना चाहते थे कि ऐश इज ओनली ग्लैम एंड हैज नो टैलेंट? जब कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ी तो सैफ ने कहा कि मीडिया ने उन्हें किया मिसक्वोट। वी मस्ट से दैट सैफ हैज श्योरली पुट हिज फुट इन हिज माउथ। लेकिन ये पहली बार नहीं है, क्योंकि पहले भी एक चैट शो पर सैफ ने कहा कि कोयना मित्रा हैज हैड अ बैड नोज जॉब। फ्लॉप बी ग्रेट कोयना को तो होना चाहिए था खुश, क्योंकि शी वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट। इंस्टेड कोयना मित्रा ने नास्टी बनकर सैफ को बुलाया अ गरीब नवाब। कोयना ने किया टिट फॉर टैट, पर देखते हैं ऐश पत्थर का जवाब ईट से कैसे देती है। प्रियंका को मजाक पसंद नहीं, और ये बात शायद अदनान सामी को पता नहीं थी। एक स्टूडियो के बाहर दोनों ने एक दूसरे को किया ग्रीट और अदनान ने किया प्रियंका को थैंक। पिगी के फेस पर था बड़ा क्वेश्चन मार्क। तब अदनान सेड कि थैंक यू फॉर डाइवर्टिंग द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स अटेंशन फ्रॉम मी एंड क्रैक्ड अप एट हिज ओन जोक। प्रियंका को इनकम टैक्स रेड वाली बात चुभने लगी और अनकंफर्टेबल होकर झट से वो चली गई। कोरियोग्राफर्स फराह खान और गणेश हेगड़े में भी हो रही है वर्बल अनबन। गणेश ने फराह को मारा टॉन्ट ये इशारा करके कि वो स्टार्स को देते हैं अच्छे स्टेप्स एंड नॉट किंडरगार्टन स्टेप्स। ओह माय गुडनेस, क्या ये हिंट कर रहे थे कि फराह को अपने छोटे ट्रिपलेट्स पर ज्यादा और कोरियोग्राफी पर कम कंसंट्रेट करना चाहिए? अगर हमारे स्टार्स एक दूसरे को ताने और गालियां देते हैं तो हमारे म्यूजिक कंपोजर्स भी कम इगोइस्टिक नहीं हैं। अनु मलिक और प्रीतम के बीच सिर्फ म्यूजिक का कॉमन कनेक्शन नहीं है, बट ये दोनों ट्यून्स की थोड़ी चोरी यहाँ वहाँ से कर लेते हैं और खुद बन जाते हैं जायंट्स बाय प्लेजराइजिंग। अब सबसे फनी बात ये है कि एक चोर दूसरे चोर को कर रहा है अक्यूज ऑफ स्टीलिंग। इस्माइल ने सारी हदें पार करके ये कह डाला कि एआर रहमान ने एकेडमी अवार्ड्स वालों को कर दिया ब्राइब, और तो और वो करते हैं सॉन्ग स्टील फ्रॉम अदर पीपल्स कंपोजिशन। स्लमडॉग मिलियनेयर का पॉपुलर गाना जय हो, जिसने एआर रहमान को ऑस्कर दिलवाया है, भी उनका खुद का कंपोजिशन नहीं है इज व्हाट इस्माइल क्लेम्स। तो रहमान ये प्रूफ दे दे कि वो गाना किसका है? चलिए मैं आपको मैं सवाल ये करता हूँ, ऑस्कर लेने के बाद उसने आज तक एक गाना अच्छा नहीं दिया। अब मुझे पता है कॉमनवेल्थ का जो गाना दिया था 5 करोड़ रुपया लिया था, क्या था, कितनी गालियाँ दी लोगों ने जी। ऐसा ही है, दिमाग वाला आदमी जो होता है ना वो हर जगह से निकल जाता है। अपने पास दिमाग नहीं इसलिए अटके पड़े एक ही जगह पर। बॉलीवुड की इस फ्रेटर्निटी में व्हाई डू पीपल टेक डिग्स एट ईच अदर? ओह दे लव मेकिंग जैब्स, इट्स जैब वी मेट फॉर देम, जैब जैब जैब। इन्हें ताने मारना इतना अच्छा लगता है, बट सीरियसली आई थिंक इट्स प्रॉब्ली ईदर व्हेन दे फीलिंग वेरी सुपीरियर टू समबडी एंड दे फील दैट द अदर राइवल इज कम्प्लीटली डाउन एंड आउट एंड द पर्सन कैन नॉट रिएक्ट और डैमेज देम और हर्ट देम इन एनी वे, सो दे डिसाइड टू बिकम नैस्टी एंड दे फील लाइक अ सर्टेन स्टार इज ऑन हर वे आउट और हिज वे आउट। तो तब वो ऐसे ताने मारते हैं कि अब क्या होगा, आई डोंट हैव टू एक्ट इन अ मूवी विद हर और समथिंग, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर इफ आई कैन गेट सम पब्लिसिटी बाई बींग नैस्टी एट यू नो द स्टार्स एक्सपेंस, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। किसी को बुड्ढी बुला दो, किसी को मोटी बुला दो और चलो खुद पब्लिसिटी खा लो। या तो फिर वो कम्प्लीटली जेलिस है फ्रॉम देयर राइवल्स। इन द केस ऑफ दिस म्यूजिक कंपोजर्स आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स इज जेलसी, इट्स राइवलरी एंड दे डू दिस बिकॉज एविडेंटली हुएवर हैज बीन अटैक्ड इज प्रॉब्ली मोर सक्सेसफुल देन द वन हु इज अटैकिंग। And I think downright disgusting is somebody like Ismail Darbar trying to take away the Oscar credit from A.R. Rahman and actually trying to come out and tell the world that it's not original or whatever it is. I think it's disgraceful. And then there's Anu Malik and Preetam as well with their constant... वहाँ पे हमें नहीं पता who's the chore in the city, so we'll just leave it there.